हेलो स्टूडेंट्स, अब अभी तक जो अपन डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन निकालना, वो थोड़ा मैथमेटिकल हो रहा था। अपन वाई और एक्स ऐसे फंक्शन ले रहे थे, तो आपको थोड़ा सा उसमें फिजिक्स की फील कम आती है। तो अब अपन थोड़ा सा फिजिक्स को और इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन में। और मैं पहले तो आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। जब आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, S इज डिस्प्लेसमेंट जो आपको फंक्शन ऑफ टाइम पता है, और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। टाइम के साथ डिफ्रिशिएट कर दीजिए आप डिस्प्लेसमेंट को, यू विल गेट वेलोसिटी। ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन जब इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिए तो आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन और भी एक्सप्रेशन देख सकते हैं, जैसे फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आपने सुना होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। बट एक्चुअल जो फोर्स का रिलेशन था वो था मोमेंटम के साथ में। फोर्स था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे, मोमेंटम को अपन पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको के साथ डिफरेंशिएट करते तो हमको मिल जाएगा फोर्स। अच्छा, ये सारी क्वांटिटी वेक्टर्स होती है, पर हमने क्योंकि वेक्टर्स पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी वेक्टर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, वेक्टर्स लेके मैं चीजें नहीं लिख रहा हूं। ओके, चलिए। देन करंट, जो 12th क्लास में हम जनरली पढ़ते हैं, पर 10th तक थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है। तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। एक ऑब्जेक्ट में आने वाला करंट उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज स्टोर्ड है उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर आ जाएगा। देन एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे के हमारे लेक्चर्स में। तो एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल अगर बढ़ते जा रहा है तो इट इज मूविंग एंगुलरली, और उसकी एंगुलर स्पीड जो होती है वो इस तरह से डिफाइंड होती है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, मैंने सारे फिजिक्स के एग्जाम्पल नहीं बताया आपको जहां डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। मैंने कुछ बेसिक कुछ एग्जाम्पल लिए ताकि हम एक हेड स्टार्ट ले सके, ताकि हम डिफरेंशिएशन को थोड़ा फिजिक्स से रिलेट कर सके। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने क्वेश्चन में दिया है आपको डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट का आपको एक फंक्शन दे रखा है। देखिए देखिए, यहां पर एस इक्वल टू 3t² - 4t + 1 m। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन दिया है यहां पे टी है, ये टी क्या है, वेर टी इज इन सेकेंड। मतलब हमको ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम इसमें टाइम की वैल्यू डालेंगे एंड हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। अब हमें पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, किसी समय की वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें 2 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है एंड एक्सेलरेशन है टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा था कि वेलोसिटी क्या होती है, हमने जस्ट अभी डिस्कस करा था कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन दिया है उसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, अब हमें यहां टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है। हम अधिकतर जो हमने एग्जांपल देखे थे उसमें एक्स था, तो x के बदले यहां t है, जस्ट आपको इस t को x जैसा मानना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था इसमें क्या लिखा था, देखिए 3t² - 4t + 1। तो 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लीजिए। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर वाला, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 बाहर, t की पावर 2 - 1, पावर -1 कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, तीन टर्म्स का यहाँ पे एडिशन दिख रहा है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन अपन लिख देंगे। सेकेंड टर्म दिख रहा है -4 × t, मतलब t की पावर 1 मतलब x की पावर 1 जैसा एक्सप्रेशन है, तो टाइम के साथ ही उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, 1। हमने कई बार करा था पहले भी। लास्ट में है कॉन्स्टेंट 1, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया, दिस इज 6t² - 4। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें पूछा गया है कि वेलोसिटी 2 सेकंड पे बताइए, तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है ना, सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे टी इक्वल टू 2 लिख दिया जाता है। तो वेलोसिटी एट टू टी इक्वल टू 2, इसमें 2 पुट कर दीजिए, तो 6 टू द 12 - 4 विल बी 8, 8 m/s। भाई
वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर दी। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन है टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन पता था और एक्सेलरेशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, है ना। वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये टाइम को एक्स जैसा मान लिया आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से 6x-4, है ना। ये 4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, 6 एक कांस्टेंट, वो बाहर आया। एक्स की पावर 1 जैसा फंक्शन है ये, है ना। उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था याद करो, 1, तो बीच का माइनस साइन लगाया, उसका कोई मतलब ही रहेगा। अब तो ये आ गया 6, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 6। अब इसमें टी तो है ही नहीं, इसका मतलब हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन की यूनिट लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट और डायमेंशंस वगैरह चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो यूनिट्स के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने थोड़ा फिजिक्स का यूज करा, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में अप्लाई करा, ठीक है। हम और एग्जांपल देखते हैं। थैंक यू।